एक सुपर हाईटेक वॉच से लेकर हवा में उड़ने वाला बल्ब और स्टूडेंट्स के लिए एक स्मार्ट नोटबुक, ऐसे ही ढेर सारे कूल गैजेट्स और इन्वेंशंस। टेक्नोलॉजी हमारे लिए ये सब लाती ही रहती है और इन सभी गैजेट से आपको मिलाने का काम करता है गैजेट जोन। तो तैयार हो जाइए इन सारे गैजेट से मिलने के लिए एंड इन सभी को परचेज करने की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले गैजेट से। एवोल मूवीज देखने के लिए मूवी हॉल में जाकर टिकट लेनी पड़ती है ना, बट सोचिए कि क्या हो अगर मूवी थिएटर आपके घर पर ही आ जाए। वेल एवोल आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही करेगा। ये एक 4K ट्राइक्रोमा USD प्रोजेक्टर है दोस्तों, जो आपको आपके घर पर ही थिएटर लाइक एक्सपीरियंस दे देगा और तो और एक मूवी थिएटर से भी अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा ये आपको, क्योंकि ये 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स डिलीवर कर देता है। और भाई पिक्चर क्वालिटी से ही काम नहीं चलता, साउंड क्वालिटी भी धांसू होनी चाहिए। तो इसमें आपको डॉल्बी एटमोस साउंड मिल जाएगी तो भाई छत उड़ जाएगी, ऐसा साउंड रहता है इसमें। HDR10+ के साथ बहुत ही अमेजिंग क्लैरिटी मिल जाती है इसमें। और इससे प्रोजेक्ट होने वाली स्क्रीन की साइज की बात करें तो ये 150 इंचेस के साइज तक इमेजेस डिस्प्ले कर सकता है। तो चाहे गेम्स खेलने हो या फिर मूवीज एंजॉय करनी हो एक सुपर लार्ज साइज स्क्रीन पर, इन सभी के लिए आप एवोल को ले सकते हैं। स्टूडेंट्स या ऑफिस वर्कर्स या लिटरली कोई भी ऐसा काम करते हो आप जिसमें कि आपको नोटबुक्स का यूज करना पड़ता हो, तो अब आप यूज कर सकते हैं ये स्मार्ट राइटिंग नोटबुक जिसका नाम है RoWrite 2। एंड पता है आपको, जो भी आप इस पर पेन से लिखेंगे वो सब डिजिटली भी रिकॉर्ड होता जाएगा एंड अपने लिखे हुए नोट्स वगैरह को आप अपने डिवाइसेस पर डिस्प्ले भी कर सकते हो। अपनी फाइल्स को आप अलग अलग डिवाइसेस पर एक्सेस और एडिट भी कर सकते हो। यानी गाइस खासकर स्टूडेंट्स और ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए ये स्मार्ट नोटबुक काफी कोलैबोरेटिव एंड एफिशिएंट हो जाती है, जिससे काम करने का तरीका और भी आसान हो जाता है। अपनी सेल्फीज एंड फोटोज पर आप स्केच वगैरह भी बना सकते हैं इसकी मदद से। तो कैसी लगी आपको ये स्मार्ट राइटिंग नोटबुक कमेंट करके मुझे बताइए एंड हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। ग्रेविटा, जिस हवा में फ्लोट करने वाले स्मार्ट लैंप की बात मैंने इंट्रो में की थी ये वही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये हवा में फ्लोट करता है तो जाहिर है किसी न किसी स्ट्रिंग या फिर वायर के सपोर्ट से ऐसा करता होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप ही हवा में फ्लोट करता है। ना सिर्फ इसे आप एज अ लैंप यूज कर सकते हैं बल्कि इससे अपने डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकते हैं एंड इसके बिल्ट इन ब्लूटूथ स्पीकर्स में अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुन भी सकते हैं। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि ये अपने आप ही हवा में फ्लोट कैसे कर सकता है, तो इसका जवाब एक खास तरह की टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन टेक्नोलॉजी। एक सिंपल से टच से आप इसे ऑन कर सकते हैं एंड इसे आप चाहे जहां भी यूज करें, चाहे अपने रूम में, अपनी टेबल पर, ऑफिस में अपने या फिर कहीं भी, जो भी इसे पहली बार देखेगा वो तो यही सोचता रह जाएगा कि बिना किसी सपोर्ट के ये ऐसे हवा में कैसे बना हुआ है। एंड जब आप इसे ऑफ करेंगे तो बल्ब गिरेगा नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली लैंप पर ही अटैच हो जाएगा। UR112 एग्रीगेट। अब गाइस वॉचेस तो आजकल मार्केट में एक से एक स्टाइलिश आ गई हैं, लेकिन अगर आपको उनसे भी चार कदम आगे की एक ऐसी वॉच चाहिए जिसमें स्टाइल के साथ साथ लग्जरी हो, क्लास हो एंड यूनिकनेस हो, तो ये वाली वॉच आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है वो आज से पहले आपने कभी किसी वॉच में भी नहीं देखी होगी। देखा जाएगा इस तो इसके कॉम्प्लेक्स गियर्स ही इसकी ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि चाहे आजकल की कोई भी वॉच ले लीजिए, ये लग्जरी वॉच उन सब से अलग है एंड एक बार जो इसे देखेगा तो मुड़ के इसे दोबारा जरूर से देखेगा, क्योंकि इसके लुक्स हैं ही इतने अमेजिंग। बॉम्बोर्ड, अगर आपका मन भी करता है कि कभी अकेले ही किसी एक्साइटिंग एडवेंचर पर निकल जाए, तो साथ ले जाने के लिए बॉम्बोर्ड एकदम सही वाटरक्राफ्ट है। ये एक मॉड्यूलर हाई परफॉर्मेंस वाटरक्राफ्ट है दोस्तों एंड इसका साइज भी कोई उतना बड़ा नहीं रहता है, तो ये हो जाता है पोर्टेबल। यानी इसे आप आसानी से अपनी कार वगैरह में रख कर अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो एंड पानी में इसे राइड करते हुए एडवेंचर का मजा ले सकते हो। देखा जाए तो वाटर में इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा रहती है, जिससे एक्साइटमेंट एंड थ्रिल काफी बढ़ जाता है। इसे राइड करने और संभालने के लिए इसमें एक हैंडल होता है जिसे पकड़ कर इसे आप राइड कर सकते हो। ये कुछ पार्ट्स में अलग अलग हो जाता है जिन्हें कि आप बहुत ही इजीली एक साथ जोड़कर इसे तैयार कर सकते हो एंड फिर यूज कर लेने के बाद वापस से इसके उन पार्ट्स को अलग अलग करके अपनी गाड़ी में रखकर इजीली कैरी कर पाओगे आप। तो वाटर एडवेंचर्स जिन्हें भी पसंद है, बॉम्बोर्ड उनके लिए है बिल्कुल परफेक्ट। रॉक स्टडी स्टेडियम सबवूफर। सबवूफर हमारे ऑडियो एक्सपीरियंस को और भी इनहेंस कर देते हैं, ऐसे में अगर वो वायरलेस हो तो मजा ही आ जाए।
तो रॉक स्टडी स्टेडियम सबवूफर दुनिया का पहला वायरलेस सबवूफर है एंड इसके वायरलेस होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आप अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हो एंड क्योंकि इसे कहीं किसी पावर सोर्स की जरूरत अलग से नहीं होती क्योंकि ये बैटरी पर चलता है तो कहीं भी इसे आप यूज भी कर पाओगे। बात करें इसकी बैटरी लाइफ की तो वो होती है अप टू 16 आवर्स की जो कि काफी ज्यादा रहती है, यानी लंबी लंबी पार्टीज वगैरह के लिए भी ये बिल्कुल सही रहेगा। इसे इजीली कैरी करने के लिए इसमें ऊपर की तरफ एक हैंडल भी लगा होता है जिसे पकड़कर आप इसे उठा सकते हो एंड कैरी कर सकते हो, यानी पोर्टेबिलिटी के मामले में भी ये वायरलेस सबवूफर होता है बिल्कुल अल्टीमेट। साइरस नंबर 3 आयरन स्टीमर। हमारे नए क्लोथ्स तब खराब लगने लगते हैं जब उनमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो धुलने के बाद फ्रेश एंड रिंकल फ्री रहें, आप यूज कर सकते हैं इस डिवाइस का। और ये सिंगल डिवाइस दो अलग अलग डिवाइसेस का काम कर देता है जैसा कि इसके नाम में ही मेंशन है, यानी आयरन और स्टीमर। आपको बस इसके टैंक में पानी भर के उसे स्टीमर में लगा देना होगा और फिर इसे प्लग इन करके कर लीजिए ऑन एंड करीब 25 सेकंड्स में इसका स्टीमर यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर इससे आप अपने क्लोथ्स को आउटसाइड और इनसाइड से स्टीम कर सकते हैं या फिर एक आयन की तरह से यूज करके क्लोथ्स को प्रेस वाला इफेक्ट दे सकते हैं, यानी स्टीम और आयन दोनों का काम आप इस सिंगल डिवाइस से कर पाएंगे। डायनायक N35। घर में आप अपने कोई भी काम कर रहे हो या फिर बाहर कहीं घूमने गए हो, अपने सारे ही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज और एप्लायंसेज ये सब चलाने और ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए होगी पावर एंड जब लाइट चली जाती है और बाहर तो कोई पावर सोर्स होता ही नहीं तो ये सारे ही डिवाइसेज सब के सब रुक जाते हैं। ऐसे में डायनायक N35 से आप अपने लगभग सारे ही डिवाइसेज को पावर अप कर सकते हैं एंड ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि इसे घर के बाहर भी यूज कर सकते हैं आउटडोर कंडीशंस में, क्योंकि ये होता है पूरी तरह से वाटरप्रूफ एंड पोर्टेबल पावर स्टेशन। बाहर चाहे हवा चल रही हो, आंधी आ रही हो, बारिश हो रही हो या स्नो पड़ रही हो, इन सब का इस पावर स्टेशन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इसमें बाहर की तरफ मजबूत एल्यूमिनियम शेल रहती है। ट्रैवलिंग के दौरान आप इससे अपने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला सकते हैं, काम आपका कहीं नहीं रुकेगा किसी भी वेदर कंडीशन में नहीं। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं एंड आउटडोर यूसेज के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल पावर स्टेशन लेना चाहते हैं तो आप डायनायक N35 को ले सकते हैं। परीनी प्लेमेट। और दोस्तों, अब अगर आपको अपनी कैट से है बहुत ज्यादा प्यार तो यकीन मानिए उसके लिए ये बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। वैसे भी आप उनके लिए टॉयज तो लाते ही रहते होंगे, तो परीनी प्लेमेट की बात करें तो ये भी एक मॉड्यूलर टॉय सेट है। हर एक मॉड्यूल से एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है एंड इन बॉक्सेस को ऐसे आपस में जोड़ते हुए आप कोई भी यूनिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं अपनी प्यारी कैट के लिए। मतलब एक तरह से आप अपनी कैट्स के लिए उनका होम तैयार कर सकते हैं जिसमें रहना वो बेहद पसंद करेंगी एंड ये काफी बिग होने के साथ साथ स्ट्रांग भी होता है, तो इनसे आप अपनी कैट्स के लिए जब चाहें एक अलग और नए तरह का होम तैयार कर सकते हैं उनके लिए एंड वो इसमें आराम से रह सकती हैं और बहुत इजीली आप इसे क्लीन भी कर पाएंगे। तो कैट लवर्स, कैसा लगा आपको कैट्स के लिए ये घर, आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर तो अभी इसे लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स की वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।